Hey guys, I'm Prixit and welcome to my YouTube channel. देखो नया दिन नया चैलेंज एक और डलने वाला है आज और आज का चैलेंज है कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दीज हिंदी मुहावरे हिंदी है ना सारे कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ दीज हिंदी मुहावरे ठीक है चलो भाई तो आज कल की तरह वैसा ही है एक बार मेरी बारी एक बार इसकी और बीच में किसी को आता होगा तो वो आंसर दे सकता है वैसे थोड़ा बहुत इंटरव्यू दे सकता है दूसरे बंदे को चलो भाई तो पहले वाला दिखाया जाए इतना किसकी बारी है पहले चलो बताओ आपकी तेरी है उस साइड से चालू रहता ना कल इतना सा मुंह रह जाना है चिपकली चिपकली मुहावरों का आंसर देना पागल आज जो कल भाई साहब जो कैमरा है ना लोगों को इतना ज्यादा कॉन्शियस कर सकता है मैंने एग्जांपल दे दिया इसका अब बता इतना सा मुंह रह जाना इसका एक एग्जांपल दे पतला मुंह रह जाना तुझे आज का चैलेंज नहीं समझ आया आज के चैलेंज में मुहावरे दे रहे हैं ये yes. तो उन मुहावरों का पूरा को मतलब मीनिंग बताना है चाहे तो हिंदी में बता दे चाहे अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए भी एग्जांपल दे देता हूँ थोथा चना बाजे गना देखो मुहावरा है हमारे हरियाणा में काफी ज्यादा बोला जाता है मेरे दादा के द्वारा भी थोथा चना बाजे गना देखो ये मुहावरा है और इसका हमें ट्रांसलेशन करना है मतलब इसका मतलब क्या है इस मुहावरे का इसका मतलब है तो बच जाएंगे देखो इसलिए मैं इसको साथ रखता हूँ और मैं इसका आंसर ना इसका आंसर देखो मैंने आपको एक मुहावरा दिया है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना तो मैंने थोड़ा सा आपको हिंट सा दे दिया इस तरीके के हमारे पास वो हैं मुहावरे और उनका हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है मतलब उसका मतलब क्या होता है इतना सा मुंह रह जाना हाँ भाई बता इतना सा मुंह रह जाना हाँ इसका अगर मैं तेरे ऊपर डायलॉग मारूंगा तो के सोचेगा किस लिए बोला है मैंने तेरे को तो देखो ये मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे दिया तो ये थोड़ा सा इजी है शुरुआत में मैं एक बार इसको समझा भी दूंगा और इसका आंसर भी दे देता हूँ इतना सा मुंह रह जाना मतलब छोटा सा मुंह बन जाना अगर मैंने किसी की बेइज्जती की मान ले मैं तेरी बेइज्जती करने लग रहा हूँ और तू दुखी होकर चला गया तो मैं जाके किसी और को यूं कह दूंगा ओहो उसका तो इतना सा मुंह रह गया इतनी बुंडी बेइज्जती होगी इसकी देखो आपको एक हमने बता भी दिया और सबको समझ भी आ गया होगा चलो भाई नेक्स्ट तेरी बारी अगली यस बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोलना मतलब यही है कि इसका मतलब कि परीक्षित मैं तेरे को बोल दूं कुछ काम परीक्षित कर रहा था मैं क्या बोल क्या हो सकता है इसका आंसर अब भी सोचो इतनी देर बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोलना अरे मतलब उस इंसान को बोलना कि जो काम उस जिसको बोल दे कि उसको कर ही नहीं पाए वो मुहावरा है ब्रो एक मुहावरा बिल्ली दूध की रखवाली को नहीं करा वैसे है एक मुहावरा है जब बताए भी तो इसका एक्सप्लेनेशन यही हुआ ना गलत इसका रॉन्ग भाई चलो मैं देता हूँ इसका एक और का मैं आंसर दे देता हूँ बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोलना इसका मतलब अगर है मान लो मेरी कोई फेवरेट चीज है मान लो मेरे को चॉकलेट पसंद है रसगुल्ले पसंद है और तेरे पास रसगुल्ले हो एक दो किलो मस्त मजा नहीं लाइफ हो तेरे पास तू मैं इधर बेंच पे तो ये टेबल पे रख के चला जाए और yes. ये भाई परीक्षित खाइए मत इसमें तू अपना काम पे चला जा इसके मुहावरे का आंसर ये है बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बोलना कि शेर के आगे मांस रखोगे और खाओगे ना ऐसा हो नहीं सकता तो वो मैं खा जाऊंगा इतनी देर में तो दुआ होगा चलो भाई नेक्स्ट गुदड़ी के लाल मेरी बारी है ना yes. दो बता दी सारे मैं बताऊ गुदड़ी के लाल गुदड़ी के लाल इस मुहावरे का क्या मतलब हो सकता है अगर तेरे पर कोई या किसी पर अरे सोड़ है सोड़ा है कि पिटना है तेरा कौन सी सोड़ की बात कर रहा है ओडर है सोड़ की गुदड़ी के लाल गुदड़ी के लाल ये क्या हो सकता है कुछ सोचो ब्रो तेरी बारी है तू सोच मैंने तो दो आंसर दे दिए अरे सोड़ में मुंह सोजा पढ़ के सोजा है ना लाल नहीं हुआ बाबा क्यों लाल तू गुदड़ा में सर दे ले तो लाल हो जाए इस आदमी का गुदड़ा में गर्मी का कारण आता भाई नहीं भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको बताना है चलो सारे मैं नहीं बताने वाला
थर्ड फोर्थ अकल के पीछे लात लिए फिरना है, लठ लिए फिरना, अकल के पीछे लठ लिए फिरना, बैस क्या जबीन बजाना, ऐसा हो सकता है इसका आंसर, है ना? सही है ना? और क्या सही तो है, अकल के पीछे लठ लिए फिरना और अनपढ़ के पीछे, हाँ तो बैस के आगे बीन बजाना सही तो हो गया। इफ आज तो फंस गया देखो अगर मैं गुल्लू का ऑप्शन दूं आपको अकल के पीछे लट लिए बिना अंधा तंधा की मैं नहीं, मैं फिर भी वीडियो बड़ा मिठा लू इसमें इसका मुहावरे का मीनिंग ये है अकल के पीछे लट लिए बिना सही है सही है सही है नहीं गलत है तो मेरी और बेइज्जती कर गया चलो भाई इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। तो भाई हमने हमारे कैमरा के पीछे जो हमारे दुश्मन बैठे उनसे आंसर ले लिया है। इस मुहावरे का मतलब है सिली काम करना, कोई भी मूर्खता वाला काम करना। चलो भाई मेरे को नहीं आता था ये वाला। चलो भाई नेक्स्ट, आंखों में सुअर का बाल ठीक फंस गई तो इतने गंदे गंदे मेरे को दे रखे हैं सूर सार का बाल नहीं तो फंस रहा कदा खच्चर का फंस रहा ये सारा कच्चे का आधा है। चल भाई आंखों में सूर का बाल ये आंखों में सूर का बाल सूर का बाल हरियाणवी स्लैंग देखो हरियाणा से हरियाणवी स्लैंग हमारा ही जाता है। क्या सोच सकता है इसके बारे में, सोचो सोचो क्या मशहूर है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई वीडियो बड़ी हो रही है जल्दी जल्दी करो भाई इसको आप कमेंट सेक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर फिर भी क्या सोच सकता है तू इसको यार नो टूट का किस सके लो यार तो कमेंट सेक्शन में बता दे सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा कमेंट में हमें बताया जाए इसका आंसर। वैसे मुझे भी नहीं पता तो मैं कुछ गैस कर लेता अपनी बारी होती तो, पर आता नहीं है वैसे भी नेक्स्ट भाई मेरी बारी, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे ये कैसे अंधा रेवड़ी बांट रहा है अंधा रेवड़ी बांट रहा है और अपने अपने देने लग रहे अपने अपने बंदे दे रहा है। अच्छा ऐसा उसके सरकारी जॉब लगने वाली है गुल्लू के चाचा विधायक बने नौकरी लगने की बात आई है और इसके चाचा सारे अपने घर के नौकरी लगवा दे तो इसका मीनिंग ये है सही बात है ना देखो कल की वीडियो में इसके चाचा ना उसमें बताया नहीं है, आने वाली वीडियो में आपको एक और चीज पता चल जाएगी। वैसे इसके चाचा है ना जो ए, कौन से वाले बड़े छोटे छोटे चाचा भाई उसमें है पॉलिटिक्स में ना। चलो हवा में हवा में गांठ लगना गांठ लगना बालू हवा में गांठ लगाना हवा में तो यार उसकी रस्सी की बिलक से कैसे करके है सही आंसर और सोच कुछ हवा में गांठ लगाना बड़ी बड़ी फेंकना बड़ी बड़ी फेंकना सही है तेरा भी ओ भाई साहब हवा में गांठ लगाना। चलो भाई राम बड़ी बड़ी फेंकता है शाम के आगे हमने थोड़ा एग्जांपल दिया है कि हमारे पास ये है हमारे पास वो है पर उसके पास जो कुछ होता नहीं है सही बात है। चलो भाई नेक्स्ट दिया जाए, हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा है ये कैसे हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा लगे ना फिटकरी रंग चोखा बाल ना स्किन मुंह अच्छा मुहावरा था बल्कि हल्दी लगे ना फिट करी रंग चौका मेरी बारी है ना इसका क्या हो सकता है हल्दी लगे ना फिट करी रंग चौका काम का ना काज का दुश्मन है नाज का ना हाँ मतलब है इसका मतलब ये हो सकता है देखो कोई बंदा हल्दी लगे ना फिट करी रंग चौका देखो मैं कोई काम करने जा रहा हूं वो पर हो रहा है हमेशा गलत है ठीक है और जो कोई दूसरा बंदा आके मेरे को यूं कह रहा था ने वो गलत कर दिया पर मैं मानू नहीं उस चीज को ये हो सकता है इसका आंसर नहीं
ये भी नहीं है, ये नहीं है। और सोचो, और मैं अपने आप की यूं कहता हूँ कि ना भाई मेरा तो आंसर करेक्ट है, मतलब जो भी काम करके आया वो ठीक करके आया, नहीं है। अच्छा, हल्दी लगे ना फिट करी रंग चोखा, आता है तेरे को थोड़ा एग्जांपल कुछ देना चाहोगे आप? फिटकड़ी रंग चोखा नहीं भाई। ऐसा कर कमेंट सेक्शन में फिर से खुला है आपके लिए, बताया जाए मैं आंसर। घोड़े बेच के सोना, चल भाई तेरी बारी है भाई, टेंशन फ्री होके सो जाना। सही है, चलो खाता खोल चुके हो आप। घोड़े बेच के स्पेशल पैसे देता है पीछे वालों को, क्योंकि पार्टी दूंगा। एक दो तो ठीक डाल दिया मेरे। सच्चाई बता रही जाएगी ये कैमरे के बैक की, ये सच से झूठ बोल रहा है। चलो भाई अगली मेरी बारी है। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, ओए अगले आप वो बना सकते हैं। ये बना पहले। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, थोड़ा यार एक्सप्लेन करा ब्रो मुआवरों को, ये मेकर अरे कोतवाल को डटे वही है क्या? फन नहीं थोड़ा सा, कोतवाल को डांटे क्यों बोला तूने इस बात पे? और चल बोलना तो सही, तू इस मुहावरे को पूरा कर, नहीं बोलूंगा इस मुहावरे को पूरा कर दे। चल भाई मैं इसका दो के आंसर तो मैं बता दूंगा, तेरे पॉइंट जुड़वाऊंगा उसमें, इतनी डेंजरस पनिशमेंट आना इस वीडियो में देख ले। वो अपने आप बता देंगे पिछवाड़े में, देख ले देखा क्या था ना पीछे दे रहा है मेरे दुश्मन है। उल्टा बांस बरेली को, सोच कुछ क्या हो सकता है। बरेली, बरेली वही होता होगा ना वे। पीछे वालों का मत देख तू, देखो चीटिंग चल रही है बिल्कुल से खुली चीटिंग। नहीं को तुम खुला चला भाई यहाँ पर। कितने पैसे दिए तूने पीछे वालों? 2000 करी मैंने। मन्ना दे मैं खुद नहीं बता दूंगा सारे। तीन चैलेंज देता हूँ देख ले, 2000 देता हूँ तो फिक्सिंग करी जा रही है इधर वीडियो के बीच में। और ये पिछले मेरे को मांग भी लेंगे, असली तो मांग लेंगे। चल भैया तो इसका आंसर उल्टा बांस बरेली को, उल्टा बांस बरेली को, बरेली को नहीं आता भाई, मुहावरा बेकार बनाया गया है। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, गलती नहीं है मेकर, ये जो हमारे पिछले दुश्मन है ना ये ऐसे ही। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट खत्म, इतनी छोटी मजा एक बार लग गया था। तो यार हमारा इधर आखिरी सवाल ये था मुहावरा, तो बस यार अब मैं ना ये चीज बोल बोल के भी थक गया, जीत। चलो भाई आज मैं गुल्लू को चैलेंज करता हूँ, नेक्स्ट चैलेंज गुल्लू बनाएगा। हाँ, मैं बनाऊंगा मतलब जिस चीज में यो परफेक्ट होगा ना वो चैलेंज मैं करूंगा, और ये चीज जो हमने इतने सारे चैलेंज करे हो ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट था, वो हमारे जो मेकर्स है ना वो ही करते हैं। हाँ। जो हमारे दुश्मन है वे रोज ने सोच के सोते हैं और दिन में हमारे को बोल देते हैं ऐसा ऐसा करना है। चल पर आज हम अपने मेकर्स को नहीं बोल के मैं तुझे बोल रहा हूँ अगला चैलेंज तन्ने, जो तू परफेक्ट है ना जिस चीज में अब वो मैं बनाऊंगा। हाँ, चल ठीक है, ठीक है। चलो भैया बात होगी, और भाई तो मेरे 4 पॉइंट्स थे और गुल्लू के 2 पॉइंट थे भाई, झूठ बोल रहे 1 पॉइंट है। तो यार बस होप यू एंजॉय अवर वीडियो, और भाई मेहनत मेरी रहमत उसकी और प्यार आप लोगों का, बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। आजकल मेहनत भाई की चल रही है। चलो बाय बाय।